हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 13 में दे रखा है, राहुल ने एक स्वेटर ख़रीदा और उसने बचत की 200 रुपये की वैन और डिस्काउंट ऑफ 25% वाज गिवन। उसको 25% का डिस्काउंट मिलता है तो उसको 200 रुपये बच जाते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मान लो उसकी स्वेटर 1000 रुपये की थी, डिस्काउंट काटने बाद वो स्वेटर उसकी 800 की मिल गई, ठीक है, तो 200 रुपये की बचत होगी। या फिर ऐसे समझ लो 2000 की थी, डिस्काउंट करने बाद 1800 की मिल गई, तो 200 रुपये की बचत होगी। तो जो 25% दे रखा है ये इन परसेंटेज में है और ये रियलिटी में है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये परसेंटेज में और ये रियलिटी में उसकी सेविंग है। व्हाट वाज द प्राइस स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट, डिस्काउंट करने से पहले उसका प्राइस क्या था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले जो गिवन पार्ट है वो लिख देते हैं, हमें दे रखा है डिस्काउंट इज ₹200, ठीक, एंड डिस्काउंट इज 25%। 25% में डिस्काउंट है, देखो हमें यहाँ पे जो सेविंग दे रखी है ना, सेविंग का मतलब है 200 रुपये जो बचे हैं वो डिस्काउंट काटने के बाद ही बचे, तो ये भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है। स्वेटर का एक्चुअल प्राइस क्या था मालूम नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ, लेट प्राइस ऑफ द स्वेटर, इसका प्राइस मैं मान लेता हूँ ₹X, मान लेता हूँ कि वो ₹X का था, ठीक। तो जो 25% निकला होगा वो टोटल प्राइस का तो निकला होगा, वो किसके बराबर, 200 रुपये की। यहाँ लिखूँगा मैं डिस्काउंट, मैंने 25% निकाला होगा, किसका निकाला होगा, जो मैंने इसको शुरुआत में प्राइस था 25% ऑफ प्राइस ऑफ स्वेटर, ठीक। डिस्काउंट कितना दे रखा मैं, 200 रुपये, यहाँ 200 रखा मैंने, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, इनटू में स्वेटर का प्राइस मैंने क्या माना हुआ है, एक्स माना हुआ है, काट रही है तो काट लो यहाँ पे ही, 25 से कम 25, 25 के 100 कितना है 200, 1/4 x। देखो बराबर के जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं ना तो ये क्रॉस में चलते हैं, दूसरे के नीचे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 1 का डिवाइड दे तो सेम वही नंबर आता है, 4 2 8 800 रुपीज़, यानी उसका डिस्काउंट काटने से पहले का जो प्राइस है वो कितना है 800। यहाँ लिख देते हम प्राइस ऑफ स्वेटर इज ₹800। इसी के साथ हमारा एग्जांपल 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 14। तो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 14 में बोला गया है, रीना मम्मी से कहती है कि इडली बनाने के लिए हमें 2 पार्ट राइस के लेने चाहिए और 1 पार्ट लेना चाहिए उड़द दाल का, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ सच अ मिक्सचर वुड बे राइस, यानी उस मिक्सचर में राइस का कितना परसेंटेज होगा और व्हाट परसेंटेज वुड बी द उड़द दाल, उड़द दाल का कितना परसेंटेज होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लियर। यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें रेशो दे रखी है राइस एंड उड़द दाल। देखो राइस के कितने पार्ट होंगे, 2, उड़द दाल का कितना होगा, 1 पार्ट। जैसे मान लो ये इडली है, इसमें हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ कर लेते हैं, ये जो पार्टीशन है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये क्या होगी, हमारे राइस होंगे दोनों के दोनों, और ये हमारी कौन होगी, दाल होगी, उड़द दाल, क्लियर। इस तरीके से इसको बनाया गया, 2 पार्ट इसके और 1 पार्ट इसके, हमें इसे भी परसेंटेज में बताना है और इसे भी परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टोटल पार्ट, देखो इडली बनी है, टोटल कितने पार्ट से मिलकर बनी है, 2 पार्ट इसके 1 पार्ट इसके, 3 पार्ट से मिलकर ये बनी है। अब परसेंटेज बताना है राइस का, परसेंटेज ऑफ राइस निकालने का तरीका, राइस कितने हैं, 2 पार्ट है, दोनों का सम कितना है 3, इसे लिख देंगे अपॉन में। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ उड़द दाल, इसको भी ऐसे लिख लेंगे, उड़द दाल का कितना पार्ट है 1 और टोटल पार्ट कितने हैं 3, लिख लिया। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, 100 होता है, जब परसेंटेज लगाना होता है तो इनटू में क्या कर देंगे 100, ताकि आंसर किस में आ जाए, परसेंटेज में। 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100/3। अब आता है डिवाइड का काम, देखो
हंड्रेड में या 200 में डिवाइड देंगे अगर 3 का, तो हमेशा आंसर हमारा जो होगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा डेसिमल के बाद भी, तो इसीलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे देखो जरा, 200 में 3 का डिवाइड दिया, 3 6 18, 2 बच गया, उतारा 0, 3 6 18, 2 बच गया, ऊपर की डिजिट ख़त्म होगी, तो जो रिमाइंडर आया ये जाएगा ऊपर, जिसका डिवाइड दिया वो आएगा नीचे, 66, 2/3 पार्ट, ये तो हो जाएगा राइस का। इसको भी कर दो साथ के साथ, 100 में 3 का, 3 3 9, 1 उतारा 0, 3 3 9, 1 बच गया, 1 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, ये हो जाएगा उड़द दाल और ये हो जाएगा राइस। इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।